स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो वीडियो वो बहुत स्पेशल है। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा कल की 2898 AD अमिताभ प्रभास कमल हसन दीपिका और नाग अश्विन। आई थिंक मौसम इट्स अश्वत्थामा है अगर मैं गलत नहीं। अश्वत्थामा हाँ, तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलग मैं चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाय, ओके, आई एम राया। नी पेरेंटी ఇదో ఏ భాషలో మాట్లాడాలి? జనరేషన్ గ్యాప్ అనుకుంటా. సెమ్మయ్య ఫైట్ పన్నింగ్ నిమ్మన్న రేడియోస్ షూట్ మాడిద్దు. మరి నువ్వు చనిపోలేవా? ఇది ఒక టెంపుల్ ఆను. బై ఎనీ ఛాన్స్ తుమ్ భగవాన్ హో? అబ్ మేరా సమయ ఆ గయా హై. మేరే అంతిమ యుద్ధ కా సమయ ఆ గయా హై. అసల్ ఎవర్ నువ్వు? द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। हे अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। द वर्ड्स वेट फॉर यू। भाई कल्कि में जो है ना, हमने अभी अमिताभ बच्चन सर जो है उनका जो है एक इंट्रोडक्शन जो है वो देखा है। इसमें जो अश्वत्थामा जी जो है उनका जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो है बीच में बच्चे का एक रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस जो है वो लगा, क्योंकि जिस तरह वो ध्यान में बैठे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करें तो आपको ओम जो है वो सुनाई देता है। हाँ, और उसके बाद जो है वो बच्चा आता है और एक सवाल जो आपका सिलसिला आपको बीच में नजर आ रहा है। और एक और चीज के शिवलिंग के ऊपर आपको एक ड्रॉप पानी का गिरता हुआ नजर आता है, फिर फ्रेम आउट होता है, फिर नजर आता है, ये चीज भी आपको जो है देखने को मिली। अच्छा, अश्वत्थामा जैसे उन्होंने खुद भी बोल दिया, जो द्रोण आचार्य हैं उनके बेटे हैं। और महाभारत में अगर हम बात करें तो मुझे ये तो नहीं पता कि लास्ट में अश्वत्थामा से के साथ क्या हुआ, बट जैसे उन्होंने बोला बीच में कि मतलब द्वापर युग में, मतलब वहां तब से लेकर अब तक उनका जो एक कह लें कि जो युद्ध का वो दोबारा से उनका स्टार्ट हो गया। और जो अवतार है, मतलब जो विष्णु जी के अवतार वो बनकर वो आएंगे, तो मतलब यही सही बात है या मतलब जो हमें समझ आ रही है या फिर कुछ डिफरेंट है इससे? मुझे तो लगता है एंड पे उन्होंने कहा कि जो आखिरी अवतार जो है बेसिकली मुझे ये लगा कि वो आगे हैं। हाँ, और मतलब अश्वत्थामा है, मतलब हाँ, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है तो यही उनके बारे में, और मतलब वो शायद अब उनका जो है वो साथ देने जा रहे हैं। मुझे एंड पर कुछ इस तरह का जो है ना वो फील आया कि शायद वो टाइम आ गया कि जब उन्हें जो है अब जाना चाहिए। शायद मुझे नहीं यार, ये आप अब क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह ये हमने एक छोटा सा टीजर ही मैं इसे कहूंगा कि हमने देखा है एक मिनट का, इसमें एक सवाल जवाब का जो सिलसिला था ना उससे जो है ना मुझे बच्चे का भी रोल जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर जो है वो पहुंचे जो कि आपको देखने में बहुत ज्यादा प्राचीन और ऐसी जहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कोई नहीं आया। हाँ, कुछ उस तरह की आपको उस जगह की जो है ना वो फीलिंग्स आ रही है। अगर हम अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ भी रहे ना तो कली युग में उनका क्या रोल है, तो उसमें ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ कली युग ही सेट टू मीट लॉर्ड विष्णुज 10th अवतार, द कल्की अवतार एंड बिकम अ सेज। तो मतलब जिस तरीके से नजर आ रहा है और जो डायलॉग्स हम लोगों ने देखे हैं उस लिहाज से तो वो बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है और हम लोगों को भी समझ आ रहा है। बाकी अब आप लोगों ने बताना है कि लाइक जो बैकग्राउंड स्टोरी है। और फिर दूसरा मैं कहूंगी कि इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लग रही है कि जिस तरह से बच्चे के साथ एक इंटरेक्शन दिखाया गया और ये क्लियरली पता चल रहा है कि बच्चे को उनके बारे में कोई खास आइडिया नहीं है। बिल्कुल, और एक जो है वो बीच में जनरेशन गैप का भी जो है वो जिक्र किया गया, तो वो भी जो है बेसिकली बीच में जो है वो दिखाई दे रहा है। मतलब जो टाइम है, जो आने वाला टाइम है, उसके बारे में जो है वो मूवी बनाई गई होगी, हो सकता है ना। मतलब मुझे तो इसी तरह की लग रही है। बाकी अगर अमिताभ बच्चन सर की बात करें, मुझे लगता है उनकी आवाज इतनी दमदार है ना
कि लाइक आप वाकई में मतलब जो डायलॉग्स वो डिलीवर करते हैं बंदे के ऊपर ना एक उसका एक असर होता है। और दूसरा अगर अब हम उनके गेटअप की बात करें तो मतलब उसको देखकर भी ये चीज लग रही है कि लाइक बहुत पुराने टाइम से शायद वो यहाँ पर रह रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे के बीच में और जो अमिताभ बच्चन सर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है उसमें भी वो ये कहते हैं कि उनको लगता है क्योंकि जो हमलावर होते हैं उनकी वजह से उनको कुछ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि क्या आप गॉड हो, मतलब वो बच्चा जो है वो क्वेश्चन करता है। सो काफी सारी चीजें हैं मुझे लगता है जो माइंड में चल रही हैं आज इसको देखकर। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी कैसी होगी, और बाकी जो डिटेल्स हमने आपसे पूछी है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारे वीडियो गुड बाय।